गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। आई एम फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नकोदर। यह लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड CSR का। तो आज के इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाएगा कि इसमें क्या इंक्लूड होता है कि एक पर्सन के, जो पर्सन है उसके, इंडिविजुअल है, उसके पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, किसी चीज़ को लेकर वो क्या मानता है, ठीक है, उसकी क्या अजम्पशन है, किस चीज़ को वो गलत मानता है, किस चीज़ को वो राइट मानता है, वो सारा आ जाएगा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें, ठीक है। हर एक पर्सन जो है उसके सर्टन बिलीव्स होते हैं फर्म के रिलेटेड, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट नहीं उसने अवॉइड करना है, उसको ओबीडियंस देना है अपने एल्डर्स को, विलिंग टू परफॉर्म एक्सेप्टेड ड्यूटीज, प्रॉपर्ली सेटलिंग द ड्यूज एक्सेट्रा, ठीक है जी। मींस के उसने ऑनेस्ट रहना है, ठीक है जी। ये उसके बिलीफ है कि उसने जो वो काम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके साथ उसने ऑनेस्ट रहना है, उतने से बड़े का जो एल्डर है उसका, उसको ओबीडियंस करना है उसको, फिर अपनी जो उसने परफॉर्म ड्यूटीज जो है उसने जो एक्सेप्ट की हैं ड्यूटी, जो उसके अथॉरिटी ने उसको दी है ड्यूटीज, जो उसने खुद एक्सेप्ट की है, उनको विलिंगली परफॉर्म करना, कोई फोर्सफुली परफॉर्म नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा से उनको परफॉर्म करना, और जो भी ड्यूज उसके रहते हैं उनको सारे को जल्दी से जल्दी सेटल डाउन करना, क्लियर करना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। ये सिर्फ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन्हीं पर्सन्स को मिलती है, उन्हीं ह्यूमन बींग्स को मिलती है जिनको पोजीशंस मिली होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस मिली होती हैं तो उन्हीं को ये ड्यूटीज़ मिलती हैं। पर्सन जो जिसको सर्टन पोजीशन मिली है उसको स्ट्रिक्टली जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फिर सारा देखना पड़ेगा, उसे जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो रूल सेट किए हैं वो सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ही देख लो, हम लोग टीचर की पोजीशन पर हमें ऑक्यूपाई किया गया है तो हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं तो हमें वो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है कि हमारे लिए ये रूल बना है कि आपने टाइम पर कॉलेज आना है, टाइम पर अपने लेक्चर देने हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए स्ट्रिक्टली हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल लॉयल्टी। पर्सनल लॉयल्टीज़ देखिए कि लॉयल्टीज़, ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि हम सुपीरियर जो है, अपने जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के साथ रॉयल रहे। जैसे मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं अपने बॉस के साथ लॉयल रहूँ, ठीक है, कि जो भी है तभी जो मेरा सुपीरियर है वो भी मेरे साथ जस्टिस से काम करेगा, तभी वो भी मेरे साथ ऑनेस्ट से रहेगा, अगर मैं भी उसके साथ ऑनेस्टली से काम करूँगी, ठीक है। अगर वो मुझे काम दे रहे हैं तो वो मैं अपना काम ऑनेस्टली करूँगी तो मेरा सुपीरियर भी मेरे साथ ऑनेस्ट ही रहेगा, ठीक है जी, लॉयल रहेगा। मैं अपना काम लॉयल्टी से करूँ, जो मुझे काम दिया गया है उसको मैं अच्छे तरीके से करूँ तो मेरे जो मेरे सुपीरियर हैं वो भी मुझसे खुश होंगे, ठीक है जी, तो वो भी मेरे साथ लॉयल रहेंगे। तो हमें क्या है कि सबॉर्डिनेट हो तो मुझे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। कॉर्पोरेशन जो है, एक बिजनेस जो है वो लीगली जो है वो ओनर से डिफरेंट है, ठीक है। आपको पता ही है, आप MBA के स्टूडेंट हैं, कि कॉर्पोरेट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जो उसका ओनर होता है दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, दोनों को हम एक चीज़ नहीं मान सकते। तो ठीक है, कॉर्पोरेट के कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सारों को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी मे नॉट बी आइडेंटिकल विद द पर्सनल मॉरल कोड्स ऑफ द मैनेजर हू रन द कंपनी, ठीक है जी। जो भी कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हम पर्सन जो मैनेजर्स हैं उनके साथ नहीं जोड़कर देख सकते जो कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टीज। मैनी पीपल डिवेलप अ डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज एन एंटिटी दैट गोज बियॉन्ड देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है जी। हर एक पर्सन जो है उसका डीप सेंस हो जाती है लॉयल्टी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो लॉयल हो जाता है, ठीक है। अपना पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लॉयल हो जाता है उसके साथ। जो ये लॉयल्टी है वो लव और अफेक्शन से अराइज होती है। अगर उनको जो एम्प्लॉई है उनको अच्छे से जो वो काम कर रहे हैं उसका उनको पूरा जो उनकी कंपनसेशन है, जो उनकी सैलरी है उनको पूरी मिल रही है, तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंगिंगनेस फील करेंगे, ठीक है जी।
तो वो उसके साथ लॉयल रहेंगे, लॉयलिटी के साथ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है. सो इफ़ द एम्प्लॉयज विल वर्क हार्ड एंड हेल्प द एंटरप्राइज इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. सो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीवमेंट करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा. नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस टाइप ऑफ मॉरलिटी गाइड्स द इंडिविजुअल एक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक नेचर. फॉर इंस्टेंस सम बिजनेस मैन थिंक इट इमोरल टू बोरो, हाउ एवर दिस टाइप ऑफ पीपल इज़ वेरी रेयर टू सी. ठीक है, जिस कुछ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं एक इंडिविजुअल की, एक बिजनेस हाउस की, ठीक है जी. जैसे कुछ बिजनेस मैन ये मानते हैं कि जो किसी से उधार लेना इमोरल है, वो मॉरल वैल्यू नहीं है हमने किसी से उधार लेना, ठीक है. किस कि कई ये जो सोच है वो किस हर एक पर्सन की नहीं होती, बहुत बहुत ही रेयर पर्सन होते हैं जो ऐसी चीज़ें सोचते हैं. नेक्स्ट इज टेक्निकल मोरालिटी. प्रोफेशनल पीपल शुड अडहेयर टू सर्टन एथिकल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश बाई कॉम्पिटेंट बॉडीज और पर्सन और बाई कस्टम्स द कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है जी, जैसे कि प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं उनके लिए वो सर्टन जो है एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट बॉडीज़ ने बनाए होते हैं, ठीक है, कस्टम द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है. ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सेट किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, किसी इंस्टीट्यूशन जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है उससे, ठीक है जी. जैसे हर एक इंस्टीट्यूशन है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है जी. हर एक प्रोफेशन के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिसमें जैसे कि लॉयर्स हैं उनके लिए कोई और रूल्स हैं, डॉक्टर्स के रूल और हैं, अकाउंटेंट्स के रूल्स और हैं, ठीक है. तो ये सारे उनके प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स सेट किए जाते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज बाई लॉ, जो लॉ द्वारा इम्पोज की जाते हैं, ठीक है जी. जो एथिक्स जो रूल्स जो है हमारे लिए लॉ ने क्रिएट किए गए हैं, तो वो सारे के सारे जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं. तो वट और आर इन लीगल आर सपोज टू बी अनएथिकल, जो भी इलीगल होगा तो उसको हम अनएथिकल मानेंगे, ठीक है जी. तो एवरी वन शुड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है जी. हर एक बंदे को जो लॉ द्वारा जो भी हमने लॉ फॉलो वाले करने वाले सिटीजन बनना पड़ेगा, ठीक है जी. तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्लास. थैंक यू क्लास.